الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن والجنة الكافر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. One of the modes of advice in Quran is via parables. Parables कहते हैं मिसालों को. अल्लाह ताला ने कुरान में एक असलूब अख्तियार किया है अपने बंदों को समझाने के लिए. वो असलूब है मिसालें. जैसे मैंने आपको कुरान मजीद में बताया मजामीन है, पांच मजामीन में से एक जो मजमून है वो है मिसालें. अल्लाह ताला अपने बंदों को मिसालों के जरिए बात को समझाने की कोशिश करते हैं. तो I will also put forth a parable के जिसमें मैं इंशाल्लाह बात को समझाने की कोशिश करूँगा. तो I'll put forth a parable of a drought. कि drought क्या होता है? हम सबको पता है कि drought जो होता है खुश्क साली होती है, कहत होता है. तो when there's not enough rain for longer period of time, what happens is कि वो जो जगह होती है जहाँ पर बारिश नहीं होती काफ़ी अरसे से, एक खूबसूरत जगह जो लहलहाती मुख्तलिफ किस्म के जिसमें फूल थे, खुशबुएँ बिखरती थी वहाँ पर, अब उस जगह में बारिश ना होने की वजह से वो ज़मीन जो है बिल्कुल बंजर और सूखी और ड्राई हो गई. और ऊपर से सोरिंग टेम्परेचर जो होता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको भी ख़त्म कर देता है. अब ये ज़मीन बिल्कुल एक ड्राई बंजर और क्रैक्ट ज़मीन हो जाती है. इट हैज़ नो साइंस ऑफ लाइफ, इसमें ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है. ऑल्दो इसमें जो सलाहियत है, जो चिंगारी है पैदावार की, इट्स स्टिल इन देयर. बट इसको इसका माहौल ना मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि वो एक सूखी बंजर जमीन बन के रह गई है. अब उस जमीन से किसी को कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसमें उसका जो माहौल था, जो बारिश का पानी था, वो उसको नहीं मिला. तो फिर क्या होता है कि एक दिन कहीं से बादल आते हैं और वो बादल आके बारिश बरसाते हैं और एक बारिश का एक छट्टा जब पड़ता है तो वो सख्त जमीन जो बंजर थी और जो बैरन लैंड था, अब उसमें कुछ मिट्टी की खुशबू आना शुरू हो गई. फिर दूसरी बारिश होती है, उसमें मजीद जगह गीली और नरम हो जाती है. फिर तीसरे दिन की बारिश, फिर चौथे दिन की बारिश, फिर पांचवें दिन की बारिश, हत्ता के 30 दिन मुसलसल बारिश के बाद वो मुर्दा बंजर जमीन अब दोबारा उसमें जिंदगी के आसार नजर आने शुरू हुए. उसमें दोबारा से वही छोटे छोटे खूबसूरत रंगों के और टाइप्स के जो फूल होते हैं वो उगने शुरू हो गए. उसमें ग्रीन ग्रास उगना शुरू हो गई. अब वही मुर्दा जमीन जो उसकी जो सलाहियत थी, उसका माहौल वापस मिलने की वजह से दोबारा जिंदा हो गई. तो मेरे भाइयों, यही हाल है हमारे दिलों का कि 11 महीने हम अपने दिलों की ज़मीन को अल्लाह ताला का माहौल ना देकर हम उसको ऐसा सख्त और बंजर बना देते हैं कि उसमें जो सलाहियत थी नेक काम करने की, वो सारी सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं. क्योंकि हमने जो इसको अल्लाह ताला का माहौल देना था, जो दिल अल्लाह ताला ने अपने लिए बनाया था, उसका जो माहौल था वो माहौल बिल्कुल हमने उसको नहीं दिया 11 महीने. जो ना देने की वजह से उसका ये हाल हो गया कि वो एक बंजर एक ज़मीन बन के रह गई है जिसमें कोई सलाहियत नहीं रही नेक काम करने की. हालांकि उसमें चिंगारी है, द स्पार्क इज स्टिल देयर,
all it needs is that environment. So when you give him the right environment, what happens is कि वो दोबारा से वो मुर्दा ज़मीन ज़िंदा हो जाती है. उसमें वो सलाहियत तो महफूज है, लेकिन हमारे जो दिलों की जो सलाहियत थी अल्लाह ताला ने जब इसको बनाया था तो इसको अल्लाह ताला ने अपनी याद के लिए बनाया था, अल्लाह ताला ने इसे नेक काम करने के लिए बनाया था, लेकिन चूंकि हमने इसको इसका माहौल ना दिया, इसको गंदा कर दिया. अल्लाह ताला ने को हमारी आंखें नहीं चाहिए, हमारे कान नहीं चाहिए, हमारे हाथ नहीं चाहिए, ये सब कंटेमिनेटेड हैं, ये गुनाहों से भरे हुए हैं. अल्लाह ताला ने दिल अपने लिए रखा था कि भाई ये दिल मुझे सिर्फ आप दे दें, अपना अपना आप कामों में लगे हैं, ये दिल मेरी तरफ बस मुतवज्जे हो जाए. हमने इस दिल को भी इतना गंदा कर दिया, इतना वीरान कर दिया कि ये किस काबिल ही नहीं रहा. नबी करीम जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, के उनके दिलों में जंग लग चुका है जिसकी वजह से वो करते हैं, जो काम गलत वो करते हैं, अब दिलों में जंग लग चुका है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह की और फरमाया कि जब कोई इंसान गलत काम करता है तो उसके दिल पर एक काला डॉट लग जाता है, और वो काला डॉट जो है वो जब तक आप तौबा इस्तिगफार नहीं करते या अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते, वो काला डॉट वहाँ पर ही दबा रहता है. जो ही आप अल्लाह इस्तिगफार करते हैं, तौबा करते हैं, तो काला डॉट खत्म हो जाता है. लेकिन अगर आप तौबा इस्तिगफार नहीं करेंगे तो वो धब्बा स्याह वहीं पर रहेगा. फिर क्या होगा, अगले दिन एक और धब्बा, गुनाह करेंगे फिर धब्बा, फिर गुनाह करेंगे फिर धब्बा, फिर तौबा इस्तिगफार नहीं करेंगे फिर धब्बा, हत्ता कि वो दिल आपका काला स्याह हो जाता है. और उसमें जो सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी थी नेक काम करने की और बुरे कामों से कर बचने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. और इतनी कीमती चीज़ आपके जो सलाहियत थी दिल की वो ख़त्म हो गई. अब वो बिल्कुल उस मुर्दा बंजर ज़मीन की तरह हो गई है जिसको दोबारा ज़िंदा करने की ज़रूरत है. अब अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम हैं, अपने बंदों से कितना प्यार करते हैं, रहमान हैं, रहीम हैं. इसीलिए उन्होंने रमज़ान का महीना भेजा, रमज़ान का महीना भेजा, और उस रमज़ान के महीने में बरकतें होती हैं और रहमत की बारिशें होती हैं. एक दिन अल्लाह ताला की जो रहमत की जो बारिश है रमज़ान के पहले दिन आपके आपके बंजर दिलों पर आके पड़ती है, सख्त दिलों पर आके पड़ती है, वह महीना शुरू होती है. फिर दूसरे दिन रमज़ान का आता है, फिर तीसरा दिन आता है, हत्ता कि 30 दिन गुजर जाते हैं, रहमत की बारिश आपके हमारे गंदे कुलूब पर पड़ती रहती है, और इवेंचुअली हमारा दिल इन दाग धब्बों से साफ हो जाता है. और इंसान का जो दिल होता है वो इन गुनाहों से पाक हो जाता है. तो आप खुद सोचिए कि अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम है, उनको कितना हमारा ख्याल है कि ये बंदा मेरा 11 महीने गुनाह करता रहा है, 11 महीने इसने अपने दिल को बंजर जमीन बना दिया, इतनी खुशबूदार फूलों वाली इसका जो दिल था अब ये बिल्कुल एक बंजर जमीन बन गया. लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, ये मेरा बंदा है, मैं इसको मौका दूंगा. तो अल्लाह ताला ने इबादत के जरिए अल्लाह ताला ने वो जो आपके दिलों पर गन लगा हुआ था, जो 11 महीने का जो बोझ आप उठा के फिर रहे थे अपने गुनाहों का, वो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत की बारिश उस पे कर करके और उसको साफ कर दिया. तो आप खुद सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आपका दिल गुनाहों से भर जाता है तो वो मुर्दा हो जाता है, उसको जिंदा कैसे करें. अल्लाह ताला ने रमजान भेज दिया कि हमारे दिल दोबारा जिंदा हो जाएंगे, और फिर हम दोबारा अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने वाले बन जाएंगे, हम दोबारा नेक हो जाएंगे, हम दोबारा तौबा इस्तिगफार करने वाले बन जाएंगे. तो आप खुद सोचें अल्लाह ताला इन इबादात के जरिए हमें टेस्ट करते हैं और प्यूरीफाई करते हैं. ये जो है ये टेस्टर्स हैं, ये प्यूरीफायर्स हैं जो अल्लाह ताला हमारी तरफ भेजते हैं. अब आप देखें आपके जो सबसे महबूब चीज़ें क्या हैं, आपकी जान है, आपका माल है, आपकी औलाद है, ये आपकी जो सबसे कीमती चीज़ें हैं. एंड यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑल दीज थिंग्स थ्री थिंग्स विद एनीथिंग. आप कहते हैं कि आई एम नॉट गोना कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी हैं, मैं नहीं देता हूँ इसको, ये मेरी है. अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये तो मैंने तुम्हें दी है. अल्लाह ताला फिर अपनी मोहब्बत को लेके आते हैं, आपकी इन तीन मोहब्बतों के साथ खड़ा करके देखते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई देखता हूँ ये जो चीज़ें मैंने इसको दी हैं ये मेरी मोहब्बत ज़्यादा है
या इन चीजों की मोहब्बत ज्यादा है, तो फिर टेस्ट भी करते हैं और प्यूरिफाई भी करते हैं, आपको साफ भी करते हैं अल्लाह ताला। इसलिए फिर जब आपको अल्लाह ताला नमाजें देते हैं तो 5 वक्त की नमाज अल्लाह ताला आपको देते हैं जब आप काम में बिजी होते हैं, ऑफिस में हैं आप, और आप इतने ज्यादा काम में मगन हैं कि कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स हो रही हैं, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आपका यकीन बढ़ता जा रहा है। अब आपका यकीन ये बन रहा है कि देखो मेरी सलाहियत, देखो मेरी ताकत, देखो मेरा इल्म, देखो मेरी अकल, देखो मेरी एजुकेशन, कि कैसे मेरा बैंक बैलेंस ऊपर जा रहा है। अल्लाह ताला अपने बंदे को रेस्क्यू करते हैं कि भाई ये इसका तो यकीन मेरे पर कम होता जा रहा है और अपने माल पर और अपनी अकल पर और अपनी फहम पर ज्यादा होता जा रहा है, इसको रेस्क्यू करो बंदे को, इस तो जड़ पकड़ रहा है जमीन के साथ। तो हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आती है, बंदा मदहोश है, बेहोश है, यकीन कम होता जा रहा है, तो नमाज उसको खींचती है, उससे तोड़ के मस्जिद में लेके जाती है, वहां पे जाकर खड़ा होता है और कहता है अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह आप ही रब हैं, अल्लाह आप ही रब हैं, आप ही ने मुझे पैदा किया है, आप ही ने मुझे माँ के पेट के अंदर वहां खुराक पहुंचाई, मुझे जिंदा रखा जहां कोई भी नहीं रख सकता। अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुम्हें कुछ पता नहीं था जब तुम्हें माँ की वहां से बाहर निकाला, तुम्हें कुछ पता नहीं था वहां से मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अल्लाह ताला कहते हैं अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया, तुम्हें कुछ भी नहीं था, मैंने तुम्हें कान दिए, मैंने तुम्हें आंखें दी और मैंने तुम्हें जुबान दी, और इसी की वजह से तुमने सारी दुनिया पर जो है बादशाहत की है और तुम मुझे ही भूल गए। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को रेस्क्यू करते हैं, और जब आप जाते हैं अल्लाह की तरह खड़े होते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो आप रिफ्रेश हो जाते हैं, आपका यकीन बढ़ जाता है, फिर दोबारा अल्लाह आप कहते हैं हाँ अल्लाह ताला ही करने वाले, मैं नहीं करने वाला, और वापस काम में जाते हैं, वापस काम में जाते हैं। जब वापस काम में लग जाते हैं घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद आपकी फीलिंग और कैफियत बदलना शुरू हो जाती है, आप दोबारा उसमें मगन हो जाते हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, सेल्स आ रही हैं, सेल्स बढ़ रही हैं, आपका दोबारा यकीन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। असर की नमाज का टाइम, अल्लाह ताला कहते हैं इसको रेस्क्यू करो, ये बंदा तो फंस गया दोबारा, हय्या अलैस सलाम, हय्या, दोबारा खींचते हैं, दोबारा उधर लेके जाते हैं, दोबारा रिफ्रेश करके वापस, फिर मगरिब का टाइम, फिर इशा का टाइम। इनिशियली तो 50 नमाजें थी, क्योंकि अल्लाह को पता था कि ये बंदा जो है इसका तो 2-2 मिनट में इसका ईमान जो है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। इनको हमारे ईमान को अल्लाह ताला ने बढ़ाने के लिए इबादत का सिलसिला रखा, फिर अल्लाह ताला ने जकात का सिलसिला, ये एक और प्यूरिफायर और टेस्टर है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, माल, माल इसके साथ अल्लाह अपनी मोहब्बत को लेके आते हैं और खड़ा करते हैं, देखते हैं मेरा ये बंदा, इसको मैं देखता हूँ इसमें कितना कितना इसमें है कि ये अपनी माल को ज्यादा चाहता है या मुझे चाहता है। एक तो आप उस बंदे से पूछें जिसने 20 साल मेहनत की है, उसने 20 साल मेहनत की है, नर्सरी केजी से पढ़ना शुरू किया उसने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लाखों रुपए खर्चे हैं उसने, 20 साल के बाद अब उसको पहली तनख्वाह मिली 1 लाख रुपया घर लेके आया, सोचे क्या फीलिंग होगी जब वो रुपया आया होगा, 20 साल की मेहनत है इसमें, वो कहता है ये मेरा है, ये मैंने कमाया है, ये मेरे खून पसीने की कमाई है, देखो मेरा है। अब अल्लाह टेस्टर और प्यूरिफायर भेजते हैं ज़कात का, 2.5% आपको देना होगा, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, दे दो, तो बंदे का दिल ऐसे ऐसे होना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे डगमगाता है उसका दिल, कहता यार मैंने मेहनत की, कैसे दे दूं, कैसे दे दूं, आसान नहीं है, आसान नहीं है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे को रेस्क्यू कर लेते हैं, बंदा 2.5% दे देता है, वो ज़कात का माल निकाल देता है। कारून का मैंने आपको बताया ना कि कारून का खजाना इतना उसका बड़ा खजाना था कि बड़े बड़े लोग उसके खजानों की चाबियों को उठाया करते थे। उससे जब ज़कात मांगी मूसा अलैहि सलाम ने, कहता है कि ये तो मैंने अपनी अकल से कमाया है, मैं क्यों दे दूँ आपको, जाओ नहीं देता मैं। अल्लाह ताला ने उसको उसके माल के साथ गर्क करके रख दिया। फिर जब ज़कात पे टेस्ट हो गया आप कामयाब हो गए, नमाज का टेस्ट हो गया आप कामयाब हो गए, अब अल्लाह ताला ने टेस्ट को और बढ़ा दिया, अल्लाह ताला टेस्ट को सख्त कर रहे हैं, नमाज थोड़ी सी हल्की थी, उसको माल की मेहनत ज्यादा, मोहब्बत ज्यादा है, अब अल्लाह ताला रमजान का रोजा भेज दिया, रुकना है किससे, खाना पीना और शहवत से, ओह ये तो बहुत सख्त है, ये कैसे करेंगे हम,
टेस्ट टेस्ट, अल्लाह ताला चेक कर रहे हैं आपका ईमान पक्का कर रहे हैं अल्लाह ताला, ऐसे करके ग्राफ जा रहा भी है नमाज से, फिर उससे कम मुश्किल इबादत ज़कात, फिर उससे ज्यादा मुश्किल इबादत ज़कात, फिर उससे ज्यादा मुश्किल इबादत जो है रमजान के रोजे। अब रमजान के रोजे रखना कोई आसान बात नहीं है, हलाल अशिया से अल्लाह ताला आपको रोक रहे हैं, ये इसका ताल्लुक आपका आपके बातन के साथ है, आपके अंदर के साथ इसका ताल्लुक है। नमाज का आपका जाहरी जाहरी बदनी इबादत है, ज़कात आपकी माली इबादत है, रोजा आपके बदन के अंदर की एक इबादत है जो आपको प्यूरिफाई करती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या हिकमत है, किस तरह ये प्यूरिफाई करती है। लेकिन जब बंदा रोजा रखता है सुबह से लेकर शाम तक और इन तीन चीजों से परहेज करता है तो वहां पर भी वो कामयाब हो जाता है, तीसरा टेस्ट भी कामयाब हो गया, ये अल्लाह का बंदा तीसरे टेस्ट में भी कामयाब हो गया। अब अल्लाह ताला कहते हैं कि जी आप इसको, इसने बहुत माल कमा लिया, अब ये हज कर सकता है, हज आ जाता है। एक और टेस्टर और प्यूरिफायर जो जो ऐसी बातत है जिसमें बदनी भी है और जिसमें माल भी है, 10 लाख रुपए का हज होता है, 10 लाख रुपए का, 15 लाख रुपए का। अब हज सस्ता नहीं हुआ, आपको बस माल आ गया, आप गाड़ियां ले रहे हैं, आप घर ले रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं हज आपको फर्ज हो गया, आपको जाना होगा। नहीं नहीं, मैं कैसे जाऊंगा हज, मैंने घर लेना है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने बैंक लेके तो जाना होगा, जाओ प्यूरिफायर है, बच जाओगे तुम, जाओ। तो इसमें भी बंदा कामयाब हो जाता है। तो ये एक इश्क का सफर भी है, वो कैसे, जब आशिक को जब मोहब्बत होती है तो जाके महबूब से मिलता है, वो कलाम करता है, तो नमाज भी कलाम और मिलना है अल्लाह ताला से। लेकिन कलाम और नमाज से जब कोई बात नहीं बनती तो वो दूसरा हरबा इख्तियार करता है, आशिक वो तोहफे देता है, वो तहफ देता है महंगे महंगे महबूब को, शायद मान जाए। तो बंदा भी ज़कात देता है अल्लाह को इम्प्रेस करने के लिए कि शायद अल्लाह ताला मान जाए। फिर उसके बाद जब उससे भी बात नहीं चलती तो फिर क्या करता है, आशिक भूख हड़ताल कर लेता है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। तो ये क्या है, ये रोजा है। फिर जब इसमें भी बात नहीं बनती तो फिर वो दीवाना वार निकल जाता है, वो मजनू बन जाता है, जैसे हज का सफर है जिसमें इंसान बाल बिखरे हुए हैं, नहाने की इजाजत नहीं है, परफ्यूम लगाने की इजाजत नहीं है, साबुन से हाथ धोने की इजाजत नहीं है, मट्टी मट्टी, क्या बादशाह तो क्या गुलाम, सारे इकट्ठे हो गए वहां पर, मजनू की तरह निकल गए। तो अल्लाह ताला ने कैसे इन इबादात के जरिए अपने बंदे पर कैसे कैसे टेस्ट भेजे और कैसे प्यूरिफाई भी किया, क्योंकि अल्लाह ताला आपको तैयार करें जन्नत में जाने के लिए। और ये कोई छोटे टेस्ट नहीं है, इन टेस्ट पे सहाबा कराम जो थे, ये इन टेस्ट में सहाबा कराम जब कामयाब हो गए तो उनको कहा गया रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु कि मैं आपसे कामयाब हो गया, आप लोग जन्नती हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं सूरह अनफाल चैप्टर 1 वर्स नंबर 28 में कहते हैं वअलमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल फितना है। मैंने आपको बताया ना कि माल और औलाद फितना तब बनते हैं जब ये आपको अल्लाह ताला से गाफिल कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं यहां पर उनको कुर्बान करें, जब मैं बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा। और नबवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूइ व नक्स मिन अमवाल वल अनफुस वल समरात व बशर साबरीन एंड विल श्योरली टेस्ट यू विद समथिंग ऑफ फियर लॉस ऑफ वेल्थ हंगर फ्रूट्स लाइव्स। हम आपको इन सब चीजों से टेस्ट करेंगे, अल्लाह ताला कह रहे हैं हम सब चीजों से टेस्ट करेंगे, ताकि जब आप इन टेस्ट में कामयाब हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम कि से ओ मोहम्मद आप उनको बता दीजिएगा इफ यू लव योर फादर्स इफ योर फादर्स योर सन्स योर वाइफ्स योर किंड्रेड योर चिल्ड्रन। ये सूरह तौबा की आयत है कि एंड योर कॉमर्स इन विच यू फेयर डिक्लाइन योर तिजारत योर एवरीथिंग इफ यू लव देम मोर डेली देन अल्लाह then wait until Allah brings about his decision ke Allah ke liye azab ke liye taiyar ho jao, is cheez se Allah taala aapko bacha rahe hain। Surah Anfal mein keh rahe hain ke dekh lo ye sab cheeze jo maine abhi tumhe batayi hain tumhari mohabbat mein inse khud hi kam kar raha hu, agar jaan maal izzat aabru biwi bacche
इन सब से अगर कहीं खुदा ना खास्ता तुम्हारी मोहब्बत ज्यादा हो गई तो ये आयत सुन लो मेरी, तुम से ओ मोहम्मद इनको बता दो, तौबा चैप्टर 9 वर्स नंबर 24, कुल इन अबनाउकुम, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, कि इफ योर फादर्स, योर सन्स, योर ब्रदर्स, योर वाइव्स, योर किंड्रेड and the wealth that you have accumulated and the commerce in which you fear decline are more dearer to you than Allah and His Messenger, then wait until Allah brings His torment upon you. तो आपको पता चला कि कैसे अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत को आपके अंदर खुद ही अल्लाह ताला बढ़ा रहे हैं इबादात के जरिए, खुद ही आप पर रहम कर रहे हैं और हमारे ऊपर रहम कर रहे हैं अल्लाह ताला की इन इबादात के जरिए, कह रहे हैं कि अगर आप लोग अपनी इन जो चीजों को जान माल इज्जत आबरू है इनके साथ मुझे ना रखो, मैं अल्लाह हूँ, अन्ना सबबन अल मा सबका सुम्मा शक्कन अल अर्द शक्का फअंबतना फिया हब्बा व अनबा व कसबा व ज़ैतून व नखला व हदाइक गुलब फाकियत व हब्बा मता अल्लाह की नाम, कि मैं अल्लाह हूँ जो आसमान से बारिश को बरसाता हूँ, मैं खाना देता हूँ, मैं पीना देता हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ, मैंने नबातात उगाए मैंने तुम्हारे लिए और मैंने खेती उगाई तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे चुपायों के लिए, तुम्हारे कुत्तों के लिए, तुम्हारे बिल्लियों के लिए। फलियंदुर इंसान उला तामी, ऐ मेरे बंदे क्या तुम अपने खाने को नहीं देखते जो तुम्हारे सामने पड़ा है, इस वक्त तुम खाने जा रहे हो रात के टाइम पे, ये मैंने तुम्हें दिया, इसकी तश्कील के पीछे कितनी बड़ी इंडस्ट्री मैंने लगा दी है कि आसमान से बारिश हो रही है, मौसम बदल रहे हैं, क्रॉप्स उग रहे हैं, ये सारा मैं तुम्हारे लिए किया, मैं अल्लाह, उसको जानने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कम हो गई और अपने माल, अपने औलाद और अपने बाकी चीजों की अगर तुम्हारी मेहनत ज्यादा, माल की मोहब्बत ज्यादा हो गई तो फिर बस खत्म, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो अल्लाह ताला ने फिर सहाबा कराम का ये टेस्ट लिया, सहाबा कराम इसमें पास हो गए। नमाज की मिसाल मैं देता हूँ आपको, मैंने आपको बताया था कि सहाबी नमाज पढ़ रहे, पहरा दे रहे, नबी की रसम ने पहरे पे खड़ा किया, एक सहाबी का आप सो जाइए मैं नमाज पढ़ लेता हूँ पहरा भी दे दूंगा, दुश्मन का तीर आया और सीधा लगा, खून निकल रहा है और खून निकलते निकलते दूसरे सहाबी तक पहुंच जाता है, उठते हैं और देखते हैं भाई खून निकला आपको, वो सलाम फेरते हैं आराम से, कहे आपको तो तीर लगे आप क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी मुझे तीर तो लगा मुझे पता, लेकिन मैं किरात कर रहा था, मुझे मजा आ रहा था, मैंने कही किरात में खत्म करूं फिर मैं सलाम फेर लेता। ये नमाजें उनकी टेस्ट में पास हो गई। ज़कात उनकी देख ले, मैंने आपको बताया था तबूक का मौका आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा माल खर्च करो, ढेरों के ढेर लगा दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक पर। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह मैंने बताया था ना, मैंने जब मैंने हिसाब लगाया तो 900 कैमल्स इज इक्वल टू 18 करोड़ बनते, 2 लाख का भी अगर कैमल लगा ले 18 करोड़, 100 घोड़ा उन्होंने दिया जो तकरीबन 2 करोड़ बनता है, 5.5 किलो सोना दिया जो तकरीबन 6 करोड़ बनता है, 29.5 किलो चांदी दी जो तकरीबन 1 लाख में बनती है। तो सारा मैंने जब हिसाब लगाया तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने सिर्फ 25 करोड़ रुपया दिया आजकल के हिसाब से तबूक की जंग के लिए, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने सारी माल दे दिया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने घर का आधा माल दे दिया, अदी बिन हातिम ने 13,500 किलो खजूर दी और औरतों ने अपने जेवर अपने बालियां दे दी। तो कैसे देखें इन लोगों ने कैसे अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपनी जो जान माल इज्जत आबरू की मोहब्बत पर कैसे ऊपर लेके आए। और जान की मैं मिसाल आपको देता हूँ, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु का एक वाक़या है, इसमें उनके बेटे एक दफ़ा जब मुसलमान नहीं हुए थे वो इसमें बदर के मौके पे वो कुफार की तरफ से लड़ रहे थे, तो क्या हुआ कि वो जब बाद में मिले तो कहते हैं अब्बा आपको याद है जब आप बदर में लड़ रहे थे तो बैटल फील्ड में आप एक टाइम पे बिल्कुल मेरे सामने आ गए थे और मैं आपको आराम से तलवार से कत्ल कर सकता था, तो हज़रत उमर और मैंने नहीं किया, मैंने कहा बाप है इसलिए छोड़ दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी मुड़े और कहते हैं कि अगर तू मेरे सामने आ जाता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता क्योंकि तू कुफार की तरफ से लड़ रहा था, कितनी बड़ी बात है। अब्दुल्लाह बिन उबै सलूल जो मुनाफिकों का सरदार है बहुत बड़ा, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो किसी ने कहा कि मैं इसकी गर्दन मारता हूँ। तो ये बात जब उनके बेटे को पता चली जो मुसलमान थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए कि या रसूलुल्लाह मैंने सुना है कि आप किसी ने मेरे वालिद को मारने की कसम खाई है तो प्लीज़ ये काम मुझे आप करने दें, कहीं आपके दिल में ये ना है कि मैं उनका बेटा हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं अपने बाप की खुद ही गर्दन उड़ाऊँ। अपने बाप की खुद सोचो कि आप सोचिए कि इनको किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह और उनके रसूल से
इतनी मोहब्बत थी कि वो किसी को भी नहीं छोड़ते थे। श्री रिश्तेदारों की बारी है, वो मैं आपको बताता हूँ। जंगे बदर में जो रिश्तेदार कह दिया है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, मेरे रिश्तेदार मुझे दे दो, मैं एक एक की गर्दन मारूंगा, सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है अल्लाह ताला के लिए, वो ये नहीं देखते थे। जब ये सब हुआ तो उसके बाद उनको रज़ियल्लाहु अन्हु रज़ू अन का टाइटल मिला, अल्लाह ताला उनसे राजी हो गए। मेरे और आपके लिए इतने ज्यादा टेस्ट नहीं है, सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात है जो हमें करने हैं। अगर वो हम कर लेंगे तो हम प्यूरिफायर्स हैं वो हमारे लिए, और अल्लाह ताला के राजी हो जाएंगे हमसे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो रमजान की जो हिकमत है इसके पीछे क्या हिकमत है। इसके पीछे हिकमत ये है कि रमजान का जो रोजा है इसका लोगी माना तो यही होता है ना कि आपने रुकना है खाने पीने और जिमा से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे या अय्युहल लजीन आमनु कुतिबा अलैकुम अस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, मैंने आप पर रोजे फर्ज कर दिए हैं जैसे आपसे पहले फर्ज कर दिए गए थे ताकि आप में तकवा पैदा हो जाए। देखा अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं आप अगर रोजे रखेंगे आप में तकवा पैदा हो जाएगा। ये तकवा कोई छोटी चीज नहीं है, ये तकवा बहुत ऊंची चीज है, बहुत हायर स्टैंडर्ड है। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग सारी उम्र मेहनत करने के बाद जाके तकवे पे पहुंचते हैं। तकवे का मतलब है अल्लाह का खौफ, तकवे का मतलब है बचना गुनाहों से, और ये एक ऐसी हायर स्टेज है कि जिसपे आम बंदा नहीं पहुंच सकता, सालों साल की रियाजत लगती है। तो अब आप खुद सोचें कि अल्लाह ताला अपने बंदे को कह रहे हैं कि भाई आम बंदे को, मुझ जैसे और आपको कह रहे हैं कि भाई तुम रोजा रख लो तो मैं उम्मीद यही है कि तुम में तकवा आ जाएगा। तो इंसान कहता है कि जी अल्लाह ताला रोजे से मुझे कैसे तकवा आ जाएगा, भूख प्यास से कैसे तकवा आ जाएगा। तो जानने की बात यही है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे दो चीजों से हम बने हैं, एक हमारी जिस्म है और एक रूह है। ये जिस्म का जो ताल्लुक है ना, ये इसका जमीन से ताल्लुक है, कुलूमी महफिल अर्द हलाल तय्यबा, और इसी के अंदर हमारा नफ्स भी छुपा है और यही हमारे से गुनाह करवाता है। और ये जो रूह का पार्ट है ये इसका ताल्लुक मलाइका से है, नूरानियत है, ये नेक काम करवाता है। तो जो आपके अंदर जो नफ्स है ना, ये बड़ी खबीस चीज है, ये भूख प्यास आपके इस नफ्स को मारती है जिसकी वजह से आपके अंदर तकवा आ जाता है। वो कैसे, एक कहानी, एक मशहूर बात कि अल्लाह ताला ने नफ्स को बनाया, बड़ी खबीस है, बनाने के बाद अल्लाह ताला का मन अंता तू कौन है, तो उसने कहा अंता अंता अना तू तू है मैं हूं। बड़ा अजीब सा जवाब दिया खबीस ने। तो अल्लाह ताला ने कहा इसको आग में जलाओ। 500 साल जलाने के बाद नफ्स को जब निकाला तो पूछा मन अंता तू कौन है, तो कहते हैं अंता अना अंता अंता अना अना तू तू है और मैं हूं। फिर वही जवाब अल्लाह ताला ने फिर उसको जो बर्फ के सिले हैं उसके अंदर रखा और निकाला और पूछा मन अंता, तो कहते हैं कि अंता अंता अना अना, फिर वही जवाब दिया। कितनी खबीस चीज है ये नफ्स जो है, क्योंकि इसका ताल्लुक हैवानियत से है ना, ये हम में और हैवानों में मुश्तरक है ये नफ्स जो है, इसका ताल्लुक ख्वाहिशात से है। फिर अल्लाह ताला ने इस पर भूख और प्यास को मुसल्लत कर दिया। जब भूख और प्यास को इस पर मुसल्लत कर दिया और कुछ ऐसे बाद निकाला और पूछा मन अंता, तो कहते हैं अंता रब्बी अना अब्दी, कि अल्लाह आप मेरे रब हैं मैं आपका बंदा हूं। तो ये सुधर गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जवानों तुम निकाह करो, अगर निकाह नहीं कर सकते, अगर इस्तेताअत नहीं है तो तुम रोजे रखो। तो इससे यहाँ पर भी हमें पता चला कि इंसान की जो नफ्स है, जो शहवत है, इसको ये रोजा मारता है। तो अब क्या हुआ, अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम है, अल्लाह ताला में क्या कह रहे हैं कि देखो रमजान का महीना शुरू हो गया है, मैंने हदीस में आता है कि मैंने दोजख के सारे दरवाजे बंद कर दिए, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए और मैंने शैतान जो है उसको जकड़ लिया है। मुसलमानों, मैंने शैतान को जकड़ लिया है। अब तुम्हारा जो दो दुश्मन थे, एक आपका दुश्मन शैतान बाहर का, एक अंदर का नफ्स था, अरे भाई बाहर का जो दुश्मन है मैंने उसको जकड़ लिया है। अब तुम्हारे पर सिर्फ इतना है कि तुम अपने अंदर वाले दुश्मन को भूख और प्यास से मार दो और तकवा ले लो। कितने अल्लाह ताला गफूर रहीम है, देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे बाहर के दुश्मन को भी पकड़ लिया है, जकड़ लिया है तुम्हारी खातिर, क्योंकि मैं, तुम मेरे बंदे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। या यूल इंसान मा फर्रक रब्बिकल करीम, है मेरे प्यारे बंदे तुझे किसने अपने करीम रब से धोखे में डाल दिया। अल्लाह ताला बहाने ढूंढ रहे हैं हमें माफ करने के, कह रहे हैं मैंने शैतान को भी जकड़ लिया है,
रमजान के महीने में बंद कर दिया मैंने इसको, बेगम हो जाओ। अब तुम्हारे अंदर जो दुश्मन तुम्हारा है वो नफ्स है, चलो इसके साथ तो तुम लड़ सकते हो ना, सिर्फ अपना तुमने रोजा रखना है, नमाज और अपना रोजा रखना है जिसमें आपने भूख और प्यास से इसको मारना है, ठीक है। तो इससे अब आपके अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। तो रोजा अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि जिसकी वजह से आपके अंदर वो चीज पैदा हो रही है जो बुजुर्गों में सालों साल मेहनत के बाद। तकवा और फतवा में फर्क पता है क्या है? तकवा ये है, फतवा ये है कि आपके ऊपर कोई ज्यादती करे तो आप भी ज्यादती कर लो, उससे उसका बदला ले लो। आपकी कोई राइट मार ले तो आप भी उसका राइट वापस ले लो, ठीक है ना, अपना राइट लेना है। तकवा ये है कि आपके साथ कोई ज्यादती करे आप माफ कर दो। तकवा ये है कि आपका कोई राइट ले ले आप माफ कर दो। ये बहुत हायर स्टेज है, ये हर बंदे को नहीं मिलती होती। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ मेरे बंदो, ऐ मेरे गुनाहगारो, सारा 11 महीने तुम गुनाह करते आए हो, ये मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, इस 30 दिन में अपनी धुलाई कर लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने, कहते हैं कि हलाक हो वो आदमी जब रसूलुल्लाह मोहम्मद का नाम लिया जाए और सल्ला दुरूद ना भेजें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी करीम का आमीन। कहते हैं हलाक हो जाए वो आदमी जिसके माँ बाप जिंदा हैं, वो उनसे अपनी बख्शिश ना करवा दे, तो नबी करीम का आमीन। और फिर कहते हैं हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान के रोज़े पाए और अपनी बख्शिश ना करा सके। रमज़ान के रोज़े आप पाएं और अपनी बख्शिश ना करा सकें, कौन बद्दुआ दे रहा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। और आमीन कौन कह रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा देखें इसका कंटेंट, रोजे का कंटेंट देखें आप कि क्या क्या चीजें हैं उसमें। कुरान रमजान में उतरा, उसके बाद 27वीं की जो रात है मेराज की वो भी रमजान में है, जो हजार महीनों से बेहतर है। मतलब कि आप जो सफर हजार महीनों में तय करने वाले थे वो आपको एक रात में अल्लाह ताला ने सुपेड़ के एक रात में ला दिया है कि भाई वो हजार महीनों में तुम वहां पहुंचते थे, तुम्हें मैं एक रात में दे रहा हूं। ये गिफ्ट भी अल्लाह ताला का। अब रॉकेट में जब चांद पे जाते हैं 3-4 दिन लगते हैं, अब पैदल जाएंगे तो सैकड़ों दिन लगेंगे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि ये शब कदर जो है 27वीं की जो रात है, इसमें आप इबादत करेंगे, रोजे रखेंगे, तो आपको हजार साल की जो आप मुसाफिरत जो आप सफर करके जो कमा सकते थे वो आपको मैंने सुफेर की एक रात में कर दी। उसके बाद मैंने रात को आपको तरावियां भी दे दी, जाओ तरावियां भी मैंने आपको दे दी जिसमें हर सजदे पे इतनी नेकियां। उसके बाद मैंने इतकाफ दे दिया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा इतकाफ अपनी जिंदगी में, कभी मिस नहीं किया नबी के। कितने कंटेंट है इसमें, देखें कितनी चीजें हैं, कितनी बरकत है, कैसा बरकतों वाला महीना। आप खुद फील करते हैं, इंसान खुद फील करता है कि अल्लाह मेरा दिल साफ हो रहा है, मेरा नेकी करने का जी चाह रहा है, मैं गुनाहों से बचना चाह रहा हूँ, अल्लाह मैं नेक बनना चाह रहा हूँ। ये वजह यही है कि जिसमें इंसान पाक होना शुरू होता है, रोजा सर से चलता है, सिर्फ भूख प्यास का नहीं है, आपके सर से रोजा चलना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में आपके ख्यालात में जो गंदी चीजें आ रही हैं उसका आपने उसको आपने आने नहीं देना, उसको आपने बाहर निकाल देना है। फिर नीचे आती है अपनी आंखों की तरफ, अपनी आंखों से अपने वो चीजें नहीं देखनी जिससे अल्लाह ताला ने मना किया है। मैंने आपको बताया तकरीबन जिना की मैंने आपको मिसालें दी कि कैसे होता है, मैंने आपको बंदी की भी मिसाल दी कितना बड़ा राहिब था और उसने कैसे गुनाह कर लिया, कैसे वो जिना में मुबतला हो गया। तो इस आंखों से जो आपने काम करना है, Tell the believing men to lower their gaze and guard their modesty. Tell the believing women to lower their gaze and guard their modesty. Allah Taala surah Noor chapter 24 में पहले आदमी को कह रहे हैं, verse 30 में और verse 31 में फिर औरत को कह रहे हैं कि ऐ ऐ बंदे अपनी नजरें नीचे रख, अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। ऐ औरत अपनी अपनी नजरें नीचे रख और अपनी शर्मगाह की हिफाजत कर। पहले बंदे को कह रहे हैं, रोजा आंखों पर आया, फिर नीचे आया, आपने नाक से कोई ऐसी खुशबू जो जो खुशबुएं बाहर हैं उनको नहीं सूंघना, ना महरम औरतों की। उसके बाद जबान, जबान से कोई गिबत नहीं करनी। आपको जबान का मैंने बताया कि कितनी खतरनाक चीज है। अल मुस्लिम सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। तारीफ की अल्लाह ताला ने मुसलमान की तारीफ क्या है कि जिसके जबान से और हाथ से सब लोग महफूज रह जाते हैं। जबान ऐसी खतरनाक गिबत में अशद मिन ज़िना अनिल लव मुअज़्ज़ून, कि वो कौन है वो 10 सिफात जो कद अफलहल मोमिनून में
वो कौन से सिफात है, वो सिफात है भी। अच्छा ये वीडियो शायद बंद हो जाए तो प्लीज दोबारा आ जाइएगा, क्योंकि दुआ करके मैं खत्म करूंगा बहुत। अल मुअरिज़ून, वो कौन लोग हैं जो लफ बातों से, वो लफ बातों से भी दूर रहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि आपने अपनी जुबान से भी कोई गलत काम नहीं करना। फिर कान पे आ जाइए, कान में आपने कोई ऐसी चीज को अंदर नहीं जाने देना जिसको अल्लाह ताला ने मना कर दिया। कोई म्यूजिक, कोई गाने, कोई ये चीजें, रमजान के महीने में बचाएं अपने आप को इन चीजों से, टीवी से बचाएं अपने आप को, मोबाइल के गलत इस्तेमाल से बचाएं अपने आप को। फिर हाथों का 5 senses, फिर आपके हाथों से कोई ऐसी चीज ना हो जाए गलत काम, फिर आपके पांव किसी ऐसी जगह की तरफ ना चले जाएं जहां से अल्लाह ताला ने मना किया आपको। तो ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमें, कितने अल्लाह ताला गफूर रहीम हैं कि जो हमें गुनाहों से खुद ही बचाना चाहते हैं। अगर आप इंसान खुद इन गुनाहों से ना बचे तो आप खुद सोचें कि किस तरह इंसान फिर बच सकता है, और तो कोई तरीका नहीं है। अल्लाह ताला ने हर तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने बंदे को बचाने के लिए। फिर आप जब रमज़ान के रोज़ों से फारिग होते हैं तो फिर बीच में जो और जो अल्लाह ताला की जो नेमतें आपके ऊपर, नमाज के तौर पर आपका दिल जो है हमेशा जिंदा रहता है, मुर्दा नहीं होता, ठीक है ना। ये सारी इबादत हैं जिसकी वजह से आपका दिल जिंदा रहता है। जब आपका दिल जिंदा रहता है तो वो नेक काम करने की तरफ वो माइल हो जाता है। इमाम तहावी ने मानिल आसार में फरमाया, अपनी किताब है उनकी, उसमें लिखते हैं कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें कोई रियाकारी नहीं है। बाकी जितनी इबादत है, नमाज हो गई, जक़ात हो गई, हज हो गया, जहाद हो गया, इस सब में रियाकारी का अंदेशा है, क्योंकि वो नज़र आने वाली चीज़ है। रमज़ान का रोज़ा एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके अंदर और बातिन के साथ उसका ताल्लुक है। आपको क्या पता कोई बंदा घर में जाए, जाए खाना खा के आ ले, चाय पी के आ जाए, बाहर आके रोजा है कह दे, किसी को नहीं पता चल सकता। रोजे को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसका ये बंदा रोजेदार है या नहीं पता ही नहीं चल सकता। तो अल्लाह ताला इसी के लिए कहते हैं कि ये रोजा असौमुली, अल्लाह ताला कहते हैं असौमुली, ये रोजा जो है ये मेरे लिए है, ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर स्पेशल दूंगा, सब इबादत का दूंगा, लेकिन रोजा कहते हैं असौमुली स्पेशली, अल्लाह ताला ने कहा ये मेरे लिए, अच्छा ये मेरे लिए, ये मेरा प्यारा बंदा जो है रमजान के महीने में इसने अपनी भूख और प्यास को रोका है तो ये मेरे लिए, और मैं ही इस अपने प्यारे बंदे को देखो क्या दूंगा। ये स्पेशल एक गिफ्ट अल्लाह ताला ने रखा है कि हमें मिलेगा। उसके बाद देखें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नत के एक दरवाजे का नाम अर्रयान रखा। अर्रयान एक ऐसा दरवाजा जिसका नाम अल्लाह ताला ने अर्रयान इसलिए रखा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये दरवाजा इसका रोजेदार से ताल्लुक है। जो इंसान रोजा रखेगा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस दरवाजे से वो एंटर हो जाएगा, और कोई दूसरा इस दरवाजे से एंटर नहीं हो सकता। सोचें एक VIP दरवाजा, वहां पर ऐसे हालात होंगे जब लोग जन्नत में जाने के लिए उनके बुरे हालात होंगे, और रोजादार होगा उसका आवाज आएगी, रोजेदारो ओ रोजेदारो आ जाओ, कहाँ है वो जो भूख और प्यास जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए काटी, आ जाओ। जब वो आएंगे और कहेंगे इस दरवाजे से आप एंटर हो जाए जन्नत में, ये दरवाजा आपके लिए है। दूसरे लोग आना चाहेंगे, कहेंगे आपके लिए नहीं ये दरवाजा। दिस इज स्पेशली डिजाइंड फॉर रोजेदार, दिस स्पेशली डिजाइंड फॉर दोस हु आर फास्टिंग, ये स्पेशली उनके लिए और किसी के लिए नहीं है। तो आप जब रोजा रखेंगे और फिर जब आप उसमें से घुसेंगे, उसमें दाखिल होंगे, वो दरवाजा पीछे से बंद कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा, उसके बाद उस दरवाजे में कोई भी नहीं आएगा। तो आप सोचें कि अल्लाह ताला कितने गफूर रहीम है कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे से इतना प्यार करते हैं कि 11 महीने के जो गुनाहों का बोझ हमने अपने ऊपर उठाया हुआ है, उस 11 महीने के बोझ को देखें ना, सफर पे जब 11 महीने चलने के बाद साहब अपने घर में आता है तो अपना उस बोझ को उतार देता है। तो ये रमजान का महीना भी ऐसा ही है जैसे कि आप 11 महीने का जो गुनाहों का अपना बोझ है उसको आप उठा उठा के फिर रहे हैं, और फाइनली द टाइम हैज कम के आप उसको उतारें और आप अपनी कमर सीधी करें। तो ये रमजान का रोजा ऐसा बाबरकत महीना है, ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए रहमतें
और बरकतें और सारी, आप देखिए इसमें पूरी दुनिया में जो है इबादत चल रही होती है, पूरी दुनिया में इबादत चल रही होती है, जिसकी वजह से बरकत और रहमतों की बारिश होती है। और उस सोहबत में आम आदमी भी जो है इस्तग़फार करता है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, और इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आता है जिसमें जो बंदा है वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना शुरू हो जाता है। तो ये टाइम आ गया है, ये 11 महीने का बोझ हम लोग कल इंशाल्लाह इसको उतारेंगे। इंशाल्लाह ये रहमत की अल्लाह की जो बारिश होगी हमारे दिलों पर, दिलों की जमीन को जो बंजर और सख्त हो गई हुई है, जो सख्त हो गई हुई है, उसके ऊपर इंशाल्लाह कल इसका पहला बारिश का छट्टा जब पड़ेगा तो ये दिल नरम हो जाएगा। फिर अगले दिन का होगा, फिर तीसरे दिन का, और इवेंचुअली इसमें जो सलाहियत है अच्छे काम करने की वो बाहर आ जाएगी। एक बीज जिसको आप टाइल के ऊपर रख दें, 1000 साल पड़ा रहेगा और उसको कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं है। उसमें जो सलाहियत थी बड़ा ओक का दरख्त बनने की, वो उसमें ट्रैप्ड रहेगी, उसमें कोई फायदा नहीं है। लेकिन उसी बीज को आप बाहर जाके गार्डन में दबो दें और उसको पानी दें और उसको धूप से बचाएं, उसको उसका माहौल दें, वही दरख्त चंद सालों के अंदर, वही सीड चंद सालों के अंदर एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाएगा और बहुत फायदा देने वाला हो जाएगा। यही मिसाल एक मुसलमान की है, यही मिसाल हमारी है। हमें जब तक सही माहौल नहीं मिलेगा तब तक हम अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते, और अल्लाह ताला हमें इस माहौल को बहाने बहाने से हमें हमारे पास ला रहे हैं। और अगर हम फिर भी इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर हम खुद ही बदनसीब हैं और बदबख्त हैं। और फिर जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो बद्दुआ दी कि रमज़ान का महीना आए और उसके बाद वो बंदा अपनी बख्शिश ना करवाए तो बड़ा ही बदनसीब है, वो हलाक हो जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन, तो इसका मतलब वाकई ही रमज़ान का महीना ऐसा महीना है जिस पे हम अगर अमल सही तरह करेंगे, एक महीना है मेरी, मतलब इस एक महीने में आप अपनी सोबत ठीक कर लें, गुनाहों से बच जाएं, इंशाल्लाह कुरान पढ़ें, ठीक है, रोज़ाना आपने जो अमल करने हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि रोज़ाना आप कुरान पढ़ें कितने पेज पढ़ सकते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज रोज़ाना 30 दिन पढ़ेंगे आप। सिर्फ तलावत करनी है, तर्जुमा नहीं, क्योंकि तलावत की अपनी एक तासीर होती है, वो पढ़ेंगे। सुबह आपने अस्तग़फ़ार करना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह 100 दफ़ा, उसके बाद अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, ये कर लिया आपने। फिर रात को भी आपने यही करना है, ठीक है जी। ये आपको मैंने जिक्र अस्कार बता दिए और फिर मैंने आपको बताया कि आपने कुरान पढ़ना है, और एक और चीज़ आपने ये करनी है कि स्पेशल टाइम निकालना है अल्लाह के लिए, अपने अल्लाह के लिए स्पेशल टाइम निकालना है जिसमें 5-10 मिनट बस आपने सिर्फ वजू करके साफ कपड़े पहन के किबला रुख होके आपने जिक्र करना है अल्लाह का। अफजलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, देखें ला इलाहा इल्लल्लाह के नहीं है कुछ भी सिवाय अल्लाह के, ये इल्लल्लाह जो ना ये ला की तलवार है जो सब चीजों को खत्म करके रख देती है। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने बैठे हुए हैं, आप अपनी नजरें झुका लें और आपके दिल में जितने गंद हैं आप उसको जो है ना ऊपर लेके आए सब तक, अब इस तरह खींचे अपने दिल से और बैठ के ला, जब यहाँ पर आपके गंद सामने आ जाएगा ला इलाहा, तो अपने राइट साइड के थोड़ा सा आप इशारा करेंगे जैसे आपने अपने गंद से जो भी भेजे से आप उठा उठा के बाहर फेंक रहे अपने गंद 11 महीने का, आप कह रहे हैं ला इलाहा, आपने फेंका इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अल्लाह आपके दिल में आ गए, इशारा आपने इल्लल्लाह का अल्लाह की तरफ। ये बुजुर्गों के मुजर्रब तरीके हैं जिससे बहुत मैंने खुद भी देखा है, मुझ पर फर्क पड़ा है, मेरे दोस्तों पर फर्क पड़ा है। ये अफजल जिक्र है, तो आपने इस तरह करना है ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब 10 दफा कहने के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहें। तो ये आपने 200 दफा करना है, उसके बाद फिर जब 200 दफा करेंगे फिर आप प्यार से मोहब्बत से अपने रब का, अपने अल्लाह का नाम, अपने अल्लाह का नाम लेके अल्लाह 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 दिल की तरफ आप मुतवज्जे हैं अपने, क्योंकि दिल को हमने गंदा किया, अल्लाह 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 अल्लाह, तो आपका दिल देखें आप
कि दिल 30 दिन के बाद इतना साफ हो जाएगा कि आपने इसमें अल्लाह ताला के जिक्र को डाला, आपने अल्लाह ताला के नाम को डाला, आपने रोजे को डाला, आपने नमाज और आपने गलत बातों से बचा, तो ये आपका दिल दोबारा साफ पाक हो जाएगा और बिल्कुल प्योर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह कल से जो है रमज़ान के रोज़े शुरू हो रहे हैं। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आप दुआ कर लेते हैं इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الساعة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم الله آپ غفور رحيم ہے اللہ اللہ آپ رحمان ہے آپ رحيم ہے اللہ ہم یہ جانتے ہیں اللہ اور ہم امید کرتے ہیں कि अल्लाह आपकी ये जो रहमत है आप गफूर है रहीम है ये आपकी सिफत है और हम लोग आपके मुजरिम हैं। हम ये भी जानते हैं कि अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम मुजरिम हैं। आप जो चाहे सजा अल्लाह हमें दे सकते हैं, आप जो चाहे सजा हमें दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह आप जानते हैं कि हम आपके बंदे हैं। एक माँ का जो बच्चा होता है जितना मर्जी गंदा हो जाए, जितना मर्जी अपनी ये गंदगी में लपट पड़ जाए, माँ उसको धोती है, धोके साफ करती है और फिर सीने से लगाती है। अल्लाह हम भी तो आपके बंदे ही है ना, अल्लाह हमने भी तो गुनाह करती हैं, लेकिन हम उन लोगों की तरह तो नहीं है ना जो गुनाह करने के बाद हम अकड़ना शुरू हो गए। अल्लाह हम तौबा करने के लिए बैठे हैं, अल्लाह हम यहाँ पर बैठ के तौबा करने के लिए आए हैं, और हम कम अज़ कम उन लोगों में से हैं जो ये तौबा तो कर रहे हैं अल्लाह कि देखें अल्लाह हमें बचाएं, हमें रेस्क्यू करें प्लीज़, क्योंकि फितने इतने ज्यादा हो गए हैं और इतनी ज्यादा मुसीबतें हो गई हैं। तो हम जो हैं बिल्कुल, आपको पता है कि अल्लाह हर 2-2 मिनट बाद हमारा यकीन खत्म हो जाता है, हमारा यकीन और ईमान कम हो जाता है। अल्लाह जब तक आप तौफीक नहीं देंगे, अल्लाह जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे, तो अल्लाह हम कैसे ठीक हो सकते हैं। अल्लाह हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, अल्लाह कदम कदम पर आपकी रहनुमाई चाहिए। अल्लाह आप प्लीज हमें तौफीक दें कि इस रमजान में हमने जितने गुनाह किए हैं या अल्लाह हम उससे तौबा कर लें और हम आपके हो जाएं या अल्लाह। आप जिस तरह चाहते हैं हमें ऐसे बना लीजिए अल्लाह, नेकोकारों वाली जिंदगी दे दीजिए अल्लाह। इसके बाद जो भी हमारी जिंदगी होगी अल्लाह, हम जैसे आप कहेंगे अल्लाह ऐसे गुजारने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमसे गुनाह हो जाए तो अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह आप गफूर रहीम है, अल्लाह आप गुनाहों को बख्शने वाले हैं। कैसे कैसे जालिमों को या अल्लाह, कैसे कैसे लोगों को 100 कत्ल करने वाले को भी आपने माफ कर दिया, फाहिशा ने कुत्ते को पानी पिलाया उसको माफ कर दिया। अल्लाह हम तो आपके बंदे हैं, हमने तो कलमा पढ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से। अल्लाह अल्लाह प्लीज हमें माफ कर दीजिए इस रमजान में जो हमने गुनाह किए हैं। सारी उम्र ये 11 महीने हम गुनाहों का बोझ लिए फिर रहे। अल्लाह आप गफूर रहीम है, आप इतने प्यार करने वाले हैं अपने बंदों से। अल्लाह प्लीज हमारे इन गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह आप हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए और हमें नेकोकारों वाला बना दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत हमारे दिलों में नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह, और उनके बताए हुए तरीकों पर। और या अल्लाह हम अपने जानों पर जुल्म कर करके थक गए हैं या अल्लाह, नाफरमानी के घोड़े या अल्लाह आपके चिरागाहों में दौड़ा दौड़ा के थक गए हैं या अल्लाह। अब और गुनाह नहीं करना चाहते या अल्लाह, हम आपकी तरफ रुजू करना चाहते हैं। प्लीज अल्लाह हमें निकालिए, प्लीज अल्लाह हमें रेस्क्यू कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम नाकाम हो जाते हैं, लेकिन प्लीज अल्लाह आप हमारा साथ ना छोड़िए, आप जरूर हमें बचाइए इन इस गुनाहों की दलदल से या अल्लाह। हमें जन्नत की ट्रेन पे बिठा दें या अल्लाह, ताकि जब मौत आए तो या अल्लाह कब्र में जाए तो कम से कम से पूछा जाए कि तुम्हारा रब कौन है, तो हम कहें कि अल्लाह आप हैं। और हमें हमारे नबी का पूछा जाए तो हम कहें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है या अल्लाह। हमसे पूछा जाए कि जन्नत दोजख के बारे में, तो अल्लाह जन्नत का बताएं या अल्लाह। आगे पूरे सरात का भी इम्तहान है अल्लाह, कब्र का भी इम्तहान है, हशर नशर का भी इम्तहान है या अल्लाह। किसी चीज के काबिल नहीं है अल्लाह, बिल्कुल भी किसी नाप तोल के काबिल नहीं है या अल्लाह। टेस्ट लिया तो हम फंस जाएंगे या अल्लाह, प्लीज टेस्ट नहीं लेना या अल्लाह। हमारे गुनाहों को माफ कर दीजिए अल्लाह। देखिए हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह कैसी कैसी बीमारियां आ गई अल्लाह या अल्लाह। ये कोरोना की जो वायरस की जो बीमारी है अल्लाह, इस वायरस की बीमारी को खत्म कर दीजिए। हम नमाज पढ़ने के जोगे भी नहीं रहे या अल्लाह, मस्जिद जाया करते थे एक नमाज पढ़ने के लिए अल्लाह, वो भी नहीं कर सकते या अल्लाह। 3 जुमे कजा हो गए या अल्लाह, माफ फरमा दीजिए। हम क्या करें अल्लाह, ये ऐसे हालात हो गए कि अल्लाह हमारी अपने गुनाहों की वजह से
अल्लाह हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह प्लीज़ हमें माफ़ फरमा दीजिए और इस बीमारी को यहाँ से दूर फरमा दीजिए, दफ़ा दूर फरमा दीजिए या अल्लाह, और जो जो लोग बीमार हैं उनको सेहत और कामल आजल अता फरमा दीजिए, और जो मुसलमान वफात पा गए हैं या अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में अता जगह अता फरमा दीजिए, और पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमा दीजिए, पाकिस्तान की हवाओं और फिजाओं, इसके पानियों, इसके दरियाओं या अल्लाह हर एक एक को इसके बंदों में और इसके मुसलमान जितने भी इंसान यहाँ रहते हैं या अल्लाह सबको या अल्लाह तौफीक अता फरमा, उनकी हिफाजत फरमा दीजिए अल्लाह, हमें बचा लीजिए, हम या अल्लाह बहुत गुनाहगार हो गए हैं, सारी जो कौमों की जो गलतियाँ थी या अल्लाह जो गलत काम करते थे वो सब हम करते हैं या अल्लाह, उरियानी है, फहाशी है या अल्लाह, शराब की भट्टियाँ हैं यहाँ पर या अल्लाह, कैसे कैसे गुनाह हो रहे हैं या अल्लाह, गीबत हम करते हैं सुबह से शाम तक या अल्लाह, आपकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला आप इतने गफूर रहीम हैं, आप फिर भी हमें खिलाते हैं, फिर भी हमें पिलाते हैं, फिर भी हमें जिंदा रखा हुआ है अल्लाह, अल्लाह हम आपकी इस सिफत की वजह से अल्लाह हमारे गुनाह जितने ज़्यादा हो जाए या अल्लाह, आपकी सिफत जो रहमान की और रहीम की है या अल्लाह, इसके करीब भी कोई नहीं पहुंच सकता या अल्लाह, आप रहमान हैं, आप रहीम हैं, आप प्लीज़ अल्लाह हमें माफ़ फरमा दीजिए, हमारे इन गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, और हमें इस रमज़ान के महीने में नेक आदमी बनने की नेकी की तौफीक अता फरमा दीजिए अल्लाह, हमें नेकोकारों वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए अल्लाह, मौत आए मदीना में आए, दफन हो तो जन्नतुल बकी में दफन हो, कब्र के अजाब से बचा लीजिए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमा दीजिए अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो नहीं मांगा मांगना चाहिए था वो भी अता फरमा दीजिए, दुआ का तरीका भी नहीं आता या अल्लाह, बस हमें अल्लाह आप खुद अता फरमा दीजिए, और ये जो लोग जो आज ये हमारे स्टूडेंट या अल्लाह बैठे हैं, इन्होंने अपना वक्त दिया या अल्लाह, इनको भी जज़ाए खैर अता फरमा दीजिए, और इनको भी या अल्लाह तौफीक अता फरमा दीजिए, इनकी भी रहनुमाई फरमा दीजिए, इनको भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अच्छे अच्छे नंबर्स लेने की, अच्छी तरह पढ़ने की और आगे अच्छी अच्छी जॉब्स में जाने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और वहाँ पर जाकर दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, इनकी जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं या अल्लाह इनको ख़त्म फरमा दीजिए, जो जिस किस्म की जैसी भी परेशानी में हैं, जैसे भी हैं, गैब से या अल्लाह गैब के ख़जानों से इनकी मदद फरमा दीजिए, इनको इनके इम्तहानों में कामयाब फरमा दीजिए, और इनको भी अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम फरमा दीजिए, وصلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين